Assalamualaikum everyone, this is Hussain Ahmed Khan and welcome back to my channel. ये जो amazing सा, epic सा, छोटा सा एक commercial आपने देखा, last time मैंने बनाया था एक scotch tape का ad मैंने बनाया था जो कि मैंने shorts में दिया था और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा ये feedback आया था कि इसका BTS जो है वो बनाना चाहिए, तो उसका तो BTS बनाना हम लोग भूल गए, लेकिन ये जो ad आपने अभी देखा इसका BTS जो है वो हम लोगों ने हल्का फुल्का सा शूट किया एंड उसको हम लोग थोड़ा सा जो है ब्रेक डाउन करेंगे. जितना ये ऐड आपको देखने में अमेजिंग और अच्छा लग रहा है, इसको शूट करना सॉर्ट ऑफ उतना ही सिंपल था. इसमें कोई भी हमने कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है कोई इक्विपमेंट नहीं यूज़ किया हुआ, बल्कि इक्विपमेंट पे आते हैं बाद में. पहले बात करते हैं कि जब भी आप इस किस्म का कोई बी रोल बना रहे हो या कोई कमर्शियल बना रहे हो, सो इट्स बेटर, ज़रूरी नहीं है लेकिन बेटर कि आप पहले चूज़ कर लें म्यूज़िक. मैं नॉर्मली म्यूज़िक जो है वो एपिडेमिक साउंड से यूज़ करता हूँ. अगर आप लोगों को भी रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा. लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको म्यूज़िक मिल सकता है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास पहले म्यूज़िक होना चाहिए. अब चूँकि ये गेमिंग हेडफोन है तो इसमें हम लोग चाहते थे कि थोड़ा सा जो है इसको हम लोग हिप हॉप साइड पे या जो है रॉक साइड पे जो है रखें. सो हम लोगों ने ये म्यूज़िक जो है इसके लिए चूज़ किया एंड जब हमने एक दफ़ा म्यूज़िक चूज़ कर लिया तो हमें ये एटलीस्ट पता चल गया कि हमें कितनी बीट्स चाहिए, कितने उसके हमें सीन्स चाहिए, तो हमने उस हिसाब से ही फिर उसको शूट किया. तो सेकेंड चीज़ फिर आती है हमारे पास शॉर्ट लिस्ट. तो शहजाद ने इसकी सारी शॉर्ट लिस्ट बनाई. शॉर्ट लिस्ट में हमारे पास जो है मतलब पैन शॉट्स कितनी होनी चाहिए, क्रिएटिव शॉट्स कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ टोटली अप टू यू. इसमें हमने थोड़ी सी जो है शॉट्स ये प्लान की थी कि पहले हम लोग चाह रहे थे कि इसको हम लोग बनाएं ग्रीन स्क्रीन पे. अच्छा, तो हमने ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर लिया लेकिन इसके रिजल्ट का हमें कुछ खास मज़ा नहीं है, तो इसलिए अब हम वही बैकग्राउंड जो है तो वो ब्लैक कलर यूज़ करेंगे. फिर हमने इसको जो है ब्लैक बैकग्राउंड पे किया जिसके ऊपर इसकी फील और भी ज़्यादा आ रही थी. अब यहाँ पे काम आता है इक्विपमेंट का. ओके, सो लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट द इक्विपमेंट. तो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं कैनन का USRP और जितने भी वाइड एंगल शॉट्स है उसके लिए हम 24mm यूज़ करेंगे और क्लोजअप शॉट्स के लिए हम 50mm यूज़ करेंगे. अब इक्विपमेंट तो अपनी जगह पर, ये तो आपके पास होगा, लेकिन यहाँ पे लाइट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जो आप इस वीडियो की फील देख रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्ट का जो कलर कम्बिनेशन था दैट वॉज ब्लैक एंड रेड, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट कलर कॉम्बो. अगर इवन शूज़ में देख रहा होता हूँ या किसी भी चीज़ में होता है तो ब्लैक एंड रेड इज़ माई फेवरेट कॉम्बो. तो इसमें किया हमने ये कि सिंस इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ब्लैक बैकग्राउंड और साथ में जो है हमने इसमें एक मूड लाइट यूज़ की जो कि बेसिकली हमने रेड में कर दी एंड उससे इसकी फील मतलब जो 50% हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे ना, तो दैट टॉप्ड अप टू लाइक अराउंड 90%. और अभी हम दो लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, एक हमारा जो की लाइट है ये गोडक्स का SL60 है, दूसरा लाइट भी गोडक्स का SL60 है. एक लाइट हमारे पास डबल डिफ्यूज है और एक सिंगल डिफ्यूज है. डबल डिफ्यूज का फायदा ये होता है कि आपके पास लाइट और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है एंड आपके पास शेडोज जो है उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. लेकिन दूसरी तरफ सिंगल डिफ्यूज हम लोगों ने इसलिए यूज़ की थी क्योंकि ऑनेस्टली हमारे पास दूसरा डबल डिफ्यूज़र नहीं था. लेकिन अगर उसको मैं उसकी शलवार बनाना चाहूँ तो इसलिए यूज़ की थी कि हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी उसमें ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं पे अगर हमें ज़्यादा लाइट चाहिए थी तो हमने वो लाइट यूज़ किया है. अब कैमरा, ट्राइपॉड और लाइट के अलावा जो इसमें इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं उसमें एक है हमारे पास ये, दिस इज़ कॉल्ड टर्न टेबल. ये मुझे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिला था, फिर मैंने अली एक्सप्रेस से जो है ये ऑर्डर कर दिया था. एंड ये अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं या प्रोडक्ट की शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं, दिस इज़ समथिंग यू शुड हैव. ये मेरे ख्याल से 3,500 रुपये का था एंड कोई अराउंड 23-24 डेज़ में मेरे पास पहुंचा था, लेकिन दिस थिंग इज़ एपिक. इसके अलावा जो है रिवील शॉट्स के लिए हम लोगों ने यूज़ किया डॉली, ठीक है, दिस थिंग इज़ कॉल्ड डॉली. अगर आपके पास स्लाइडर नहीं है, अगर आपके पास सारा महंगा इक्विपमेंट नहीं है, सो ये खैर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है. अगर इसमें आप इवन चीपर वर्जन लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 1,000-1,200 में भी आपको मिल जाती है. सिर्फ इसमें आपने चेक ये करना है कि जो इसके टायर्स होते हैं इसमें बम्प ना हो, क्योंकि अगर इसमें बम्प हुआ तो आपकी फोटेज सारी ज़ाया हो जाएगी. इसके अलावा एक और शॉट थी जो कि बहुत मज़े की थी एंड उसके ऊपर हमने बड़ा डैनियल शेफर होने की कोशिश की और हमने हैंड हेल्ड जो है उसकी बहुत शॉट्स ली लेकिन एक भी काम नहीं आई. फिर दिमाग में जो है बत्ती जली एंड वी अकॉम्प्लिश दिस विथ जस्ट अ ट्राईपॉड. इसको हमने सिंपल जो है कैमरा को ट्राईपॉड के ऊपर लगाया और उसको घुमा दिया एंड उससे हमारे पास ये रिजल्ट आया. बाकी इसको जो है वो टाइम रीमैपिंग के थ्रू और इफेक्ट्स के थ्रू जो है वो आप थोड़ा सा और स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन इसको शूट करने का सिंपल तरीका यह था कि हेड को हमने थोड़ा
थोड़ा सा जो है वो मूव किया एंड वी गॉट दिस शॉट। सो टोटल इसमें हमारे पास तकरीबन 20 टू 25 टोटल क्लिप्स हमने लिए, उसको हमने एडिट में डाला, म्यूजिक के साथ सिंक किया एंड हियर्स द रिजल्ट। So I know your response ke this is epic and I know that, thank you so much. लेकिन अगर इसका आप editing part, क्योंकि जो सही रगड़ा मिला है ना वो editing में होता है, तो editing में जो इसका रगड़ा है, if you want me to make a video about that as well, so do let me know in the comment section below. I hope you like this video and it was helpful. इस तरह के छोटे छोटे ads आपको काम इसलिए आते हैं क्योंकि हर क्लाइंट जो है वो आपको लाखों और करोड़ों के बजट्स नहीं दे सकते हैं एंड इतने कोई प्रोडक्ट्स होते भी नहीं हैं। तो अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टॉप मोशन बनाना चाहते हैं या जो है छोटे प्रोडक्ट का एक 15 सेकंड्स का डेमो बनाना चाहते हैं जो कि थ्रू प्लेज में फेसबुक पे या यूट्यूब के एड्स में जो है नॉन स्किपेबल एड्स में चल सकें, सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया एंड दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड टू टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।